नमस्कार, मैं चेतना। NBCN न्यूज की खास पेशकश राजभोग में आप सभी का स्वागत है। अक्सर बात जब हम खाने की करते हैं तो बाप्पा के मोदक हमें सबको बहुत ज्यादा याद आते हैं। इसलिए आज स्पेशली जब हमारे बाप्पा का आगमन होने वाला है तब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ अलग अलग वेरायटी के मोदक। तो चलिए चलते हैं इन मोदकों की जानकारी के लिए रेडिसन ब्लू के किचन में। तो चलिए मैं आप पहुंची हूँ रेडिसन ब्लू के किचन में और अब बुलाते हैं हमारे हलवाई एक्सपर्ट आनंद शाह, शेफ आनंद शाह जी को। सो प्लीज वेलकम। सो वेलकम टू राजभोग। और आज आप गणपति बाप्पा के लिए क्या स्पेशल बनाने वाले हैं? मैं मोदक बनाने वाला हूँ। किस टाइप के मोदक होंगे ये? मोदक तो हम हर साल बनाते हैं और पापा के तो फेवरेट है मोदक, तो ये मोदक किस टाइप के होने वाले हैं? मैं मावा का मोदक बनाऊंगा, ड्राई फ्रूट का बनाऊंगा, बेसन का बनाऊंगा, कई प्रकार के मोदक। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं मावा के मोदक। तो सर इसके लिए क्या क्या लगने वाला है हम लोगों को? मावा के लिए दूध लगता है। ओके। और दूध से मावा बनाएंगे, उसमें शुगर, कार्डमम पाउडर। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं मोदक को बनाने के लिए? मोदक बनाने के लिए हम इसको मावा मार के लेके आए हैं। ओके। और उसको मैं यहाँ पर सांचा में डाल के और मोदक बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मोदक बनाने के प्रोसेस को। तो इसमें हमने सिर्फ मावा लिया है और इसमें शुगर मिक्स की है। हाँ, इसमें शुगर, कार्डमम पाउडर में मिक्स करके लाया है। ओके। अब इसको हमको यहाँ पर सांचा में देकर के इसको एक शेप देना है। शेप देना है। सर कितना मावा लिया आपने, कितने ग्राम मावा लिया, कितने ग्राम शुगर डाली इस मावा में? इसमें 1 लीटर दूध लिया हमने जी, और इसमें 60 ग्राम शुगर डाला। ओके। और उसको अच्छे से ना मावा बनने तक बनाया उसका। ठीक है, मतलब 1 लीटर दूध में आपको 60 ग्राम शुगर डालनी है, उसको अच्छे से आप घर पे भी मावा बनाओ, क्योंकि अक्सर जब त्योहारों का सीजन होता है तो मार्केट में मावा एक तो महंगा मिलता है, ऊपर से मिक्सिंग वाला मिलता है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि हम लोग उसको पूरा चीज़ घर पर बनाएँ। तो ये हमारे पहले मोदक बन रहे हैं, इसको हम ये जो सांचा कहते हैं ना हम इसको। सर सबसे पहले आपने ये जो मोदक है वो सबसे पहले कब बनाए थे अपने लाइफ में? मोदक में बहुत पहले बनाया था मैं, करीब 10 साल पहले। मैं आपको बता दूं कि ये रेडिसन ब्लू की बिल्कुल एक मिठाई एक्सपर्ट है, जिन्हें हम कहते हैं कि मिठाई एक्सपर्ट, मतलब हर तरीके की मिठाई है, इनको बहुत अच्छे से बनानी आती है। तो इसमें और क्या स्पेशल और हम कर सकते हैं? ऑफकोर्स आने वाले 10 दिनों में हम 10 अलग अलग प्रकार के मोदक आपको बनाना सिखाने वाले हैं, लेकिन आज ये जो मोदक बन रहे हैं इसमें शुगर फ्री का वगैरह भी कुछ है करने वाले हैं? शुगर फ्री भी है। शुगर फ्री भी है, मतलब अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग बिल्कुल शुगर फ्री मोदक खा सकते हैं। ये राम मावा का मोदक, इसमें 1 लीटर दूध लिए, इसमें 60 ग्राम शुगर डाला, इलायची पाउडर डाले और ये मावा का शेप। तो ये का शेप देते हैं मोदक बना दिए। तो ये हमारे गणपति पापा के पहले दिन के लिए हमारे मोदक बिल्कुल तैयार है। अब इसको 21 मोदक में चढ़ाइए तो आम शोर पापा की हर तमन्ना पूरी करेंगे। तो चलिए ये जो मोदक है बिल्कुल जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए है, लेकिन सर जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर जो लोग थोड़ा सा कम मीठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए क्या सब्स्टिट्यूट है हमारे पास? के लिए हम शुगर फ्री पाउडर यूज करते हैं शुगर के जगह पर। ओके। शुगर फ्री पाउडर से हम मोदक बनाएंगे। तो सर जैसे हम लोगों ने इसमें 1 लीटर दूध में हम लोग 60 ग्राम शुगर डाली थी, तो हम इसमें शुगर फ्री कितना डालेंगे? शुगर फ्री 30 ग्राम 30 ग्राम डालेंगे, मतलब बिल्कुल आधा क्वांटिटी में डालेंगे। तो ये आप रेशियो ध्यान में रखिए कि अगर आप शुगर 60 ग्राम डालते हैं तो उसका आधा आपको शुगर पाउडर यूज़ करना है जब आप शुगर फ्री मिठाइयाँ बनाते हैं। तो हमारे पास जो है बिल्कुल जो लोग डायबिटीज पेशेंट है वो भी इस त्यौहार के मौके पर क्यों ना ऐसे ही बिना मीठा खाए बैठे रहे, उनके लिए, उन लोगों के लिए भी हम लोग स्पेशली मोदक बना रहे हैं, शुगर फ्री मोदक बना रहे हैं। तो ये शुगर फ्री मोदक भी हम लोग बनाएंगे जी। बिल्कुल, इसमें भी हमने सेम लिया है, सिर्फ शुगर की जगह पर हम लोगों ने शुगर फ्री पाउडर यूज़ किया है। जो ये मैं अभी शुगर फ्री मोदक बना रहा हूँ और मैं यहाँ रेडिसन ब्लू में हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है इधर। सर मैंने सुना है कि आप बंगाल से हैं जी। ओके। तो कब आए आप नागपुर में? नागपुर में आया हुआ अभी साल से ज़्यादा हो गया, करीब 1.5 साल होने वाला है इधर। तो क्या कैसा लगा आपका आपका नागपुर? बहुत अच्छा लगा ना, मतलब नागपुर का एक गणपति फेस्टिवल आपने एंजॉय किया है यहाँ पर? किया है। तो इसीलिए शायद इसीलिए इस साल सो है जो हमारे साथ है बिल्कुल गणपति फेस्टिवल के टाइम पर, बिल्कुल सर हमारे साथ है। और बंगाल की क्या खूबियाँ है गणपति फेस्टिवल के टाइम पर, थोड़ा सा वहाँ की बातें हमें बताइए। अच्छा है वहाँ पर भी, वहाँ पर भी इसी धूमधड़ाके से गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से होता है, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है मेरे ख्याल से। वहाँ दुर्गा अष्टमी का बहुत माहौल होता है, दुर्गा पूजा बहुत होती है। तो चलिए ये जो हमारे शुगर फ्री मोदक है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं,
मतलब त्यौहार के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल शांत रहें या फिर यार मुझे शुगर है या फिर मुझे मैं ज़रा डाइट पर हूँ या फिर मैं ज़रा कैलोरी कॉन्शियस हूँ इसलिए मैं कुछ खाऊंगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम आपके लिए सारे ऑप्शन देंगे ताकि आप खा पाए। तो शाह सर के हाथ में कौन सा मोदक है? ये शुगर फ्री मोदक है। और मेरे हाथ में, मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं करती, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बिल्कुल शुगर वाले मोदक लिए हैं अपने हाथ में। तो थैंक यू सो मच सर, हमें दो दो शुगर फ्री और शुगर वाले मोदक सिखाने के लिए, थैंक यू। तो चलिए, इस वक्त हमारे रेडिसन ब्लू के किचन में पूरी की पूरी शेफ की टीम आई है खास और खास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को अलग अलग वैरायटी के मोदक बनाने या सिखाने के लिए, ताकि सब चाहते हैं कि आपके जितने भी मुरादें हैं सबकी सब पूरी हो जाए। लेकिन फिलहाल चेतना, मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, तब तक के लिए कहिए गणपति बाप्पा। राजभोग में आप सभी का स्वागत है। मैं चेतना फिर एक बार हाजिर हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी मोदक की रेसिपी लेकर। तो चलिए, इसके लिए चलते हैं हम रेडिसन ब्लू के किचन में, जहाँ ऑलरेडी हमारे जो शेफ है हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ है शेफ साहिब जान, राइट? ओके, तो सर हेलो एंड वेलकम टू माय शो। राजभोग में आज आप स्पेशली गणपति बाप्पा के लिए क्या बनाने वाले हैं? हम बनाएंगे चॉकलेट मावा मोदक। क्या बात है, बच्चों के फेवरेट, गणपति बप्पा के लिए बच्चों की फेवरेट डिश बनने वाले हैं आज बिल्कुल चॉकलेट मावा मोदक। इसके लिए हम लोग को क्या लगता है? इसके लिए हम 1 लीटर दूध में 60 ग्राम शुगर डालेंगे। ओके। और पहले शुगर को अच्छी तरीके से, सॉरी दूध को अच्छी तरीके से पकाएंगे। ओके। और उसका खोआ बनाएंगे। ओके। खोआ बनाने के बाद में उसमें 10 ग्राम चॉकलेट पाउडर डालेंगे। ओके। फिर उसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे 1 ग्राम। ओके। मतलब कि हम जो आपको मावे की रेसिपी जो हम लोग पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल मावा वैसे ही बनाना है। 1 लीटर दूध लेना है, उसके अंदर आप 60 ग्राम शुगर डालेंगे, उसको आप अच्छे से यू नो मावा उसका जमने तक बनाएंगे। जमने तक उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद कुछ नया है? उसके बाद हम ये अपना हमारा मिक्सर तैयार हो जाएगा ऐसा। ओके, इसके अंदर हम चॉकलेट पाउडर डालेंगे, कोको पाउडर डाल रहे हैं। कोको पाउडर। तो ये कोको पाउडर का जो अमाउंट है, किस अमाउंट में लेना है हमको? जैसे हमारा दूध 1 लीटर हो जाएगा और जी चॉकलेट जो चोको पाउडर है हमारा, वो हमने कितना ग्राम डाला? चोको पाउडर हम डालेंगे 10 ग्राम। 10 ग्राम चोको पाउडर। ध्यान रखें क्योंकि चोको पाउडर अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो शायद इसकी कड़वी टेस्ट आएगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चॉकलेट का लालच बिल्कुल ना करें। चॉकलेट मतलब ना कहते हैं कि लोग लालच बिल्कुल बुरी वाला होती है, तो ख्याल रखें कि अगर आप चोको पाउडर यूज़ करते हैं तो इसको सिर्फ आपको 1 लीटर दूध के लिए आपको सिर्फ 10 ग्राम चोको पाउडर ही यूज़ करना है। अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा करते हैं तो शायद ये टेस्ट कड़वी आ सकती है। तो ये टिप रही आज की शेफ की तरफ से आप लोगों के लिए। तो अब इसके मोदक बनाएं हम। तो चलिए, ये जो ऑलरेडी जो पूरा स्टफिंग है हमारे पास तैयार है और इसके मोदक अभी हम लोग बना रहे हैं। आई एम श्योर बच्चों को ये मोदक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। सर, आप जब छोटे थे तब आपने कितने चॉकलेट्स खाए हैं घर में और कितने चॉकलेट्स बनाए हैं बड़े होने के बाद? चॉकलेट खाना तो अभी बंद नहीं हुआ। अच्छा, वाकई में बड़े हो या छोटे चॉकलेट हर कोई खाता है, लेकिन ये जो चॉकलेट वाला जो मोदक है बहुत फेवरेट है। तो आपने इसको मतलब कैसे दिमाग में आया था कि हमको चॉकलेट वाले मोदक बनाने चाहिए? जी, हम कई तरीके से मोदक बनाए थे जब हम स्टाफ के लिए बनाते थे गणपति के लिए। जी जी। तो उसमें बच्चों का भी ध्यान रखते हुए बच्चों के लिए क्या बनाए, तो उनके लिए चॉकलेट वाला मोदक बनाए थे। क्या बात है, मतलब जब भी यहाँ खाना बनता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ों के चॉइस का ख्याल रखा जाता है, बल्कि यहाँ सबकी चॉइस का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये है द रेडिसन ब्लू। तो यहाँ पर हमारे सो बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी टेस्टी चॉकलेट्स तैयार हो रहे हैं, चॉकलेट मोदक तैयार हो रहे हैं, जिसमें जिसे खाने की नीयत मेरी पूरी जा रही है। बट आई एम श्योर इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। इस बार सबसे पहले हमारे जो मोदक है बिल्कुल गणपति बाप्पा के लिए उनके चरणों में जाएंगे, उनको अर्पित होंगे, उसके बाद हम सारे मोदक बिल्कुल प्रसाद के तौर पर हम सबको बांटेंगे।
तो हमारे जो चॉकलेट मावा मोदक है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बच्चों के फेवरेट गणपति बप्पा के लिए। बिल्कुल ये बच्चों के फेवरेट वाले मोदक आई एम श्योर आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। कि यू नो चॉकलेट हम बाहर का, क्यों कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो प्रसाद रखते हैं तो वो बड़ी बड़ी डेरी मिल्क और कैडबरी जाकर भगवान के पास रखते हैं। मैं बोलूँगी क्यों ना उन्हीं का फेवरेट मोदक है अपने फॉर्म में लेकर जाओ, है कि नहीं अच्छा आइडिया। तो ये है हमारे लिए चॉकलेट मोदक। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। तब तक के लिए मैं चेतना कहती हूँ नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चेतना फिर एक बार हाजिर हूँ हमारे जो नए ब्रांड न्यू एपिसोड राजभोग के बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड में। इस वक्त मेरे साथ है शेफ चित्ररंजन, राइट? हेलो एंड वेलकम सर। तो सर, रेडिसन ब्लू के किचन में आज हम हमारे लिए क्या बनाने वाले हैं? मैं आज बनाना चाहता हूँ ड्राई फ्रूट का मोदक। क्या बात है, मतलब पूरे ड्राई फ्रूट वाले मोदक बापा के फेवरेट होते हैं ऐसा मैंने सुना है। आपको पता नहीं कितना पता है कितना नहीं, लेकिन आज हम लोग बनाने वाले ड्राई फ्रूट वाले मोदक। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं हमको इसके लिए? और ये ड्राई फ्रूट मोदक के लिए हमारे को मैंने पिस्ता जी, पिस्ता 10 ग्राम ले रहे हैं। ओके, पिस्ता 10 ग्राम लेंगे हम। उसके बाद आलमंड 10 ग्राम लेके जा रहे हैं, यानी कि बादाम इसके बाद हम 10 ग्राम लेंगे। फिर और कैशनट भी 10 ग्राम ले रहे हैं, यानी कि काजू भी 10 ग्राम लेंगे इसके बाद। और वॉलनट 10 ग्राम, वॉलनट यानी कि क्या कहते हैं हम उसको, अखरोट, यानी कि काजू 10 ग्राम, पिस्ता 10 ग्राम, बादाम 10 ग्राम और अखरोट होते हैं वो भी 10 ग्राम। तो ऐसे हम चार जो हमारे सबसे फेवरेट कैशू नट, मतलब जो हमारे नट्स होते हैं वो हम लोगों ने दे दिए बिल्कुल 10-10 ग्राम। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसको हमने थोड़ा 10 ग्राम की घी में थोड़ा रोस्ट करेंगे, क्योंकि टेस्ट हमारी जो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अच्छा फ्लेवर उसको निखर कर आए। ओके, तो इसके सारे फ्लेवर्स निखर कर आए, इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सारे जितने भी हमारे नट्स हैं सबको थोड़ा सा घी में रोस्ट करेंगे कुछ 2 मिनट के लिए, है ना? 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं, इसमें थोड़ा जैसे रोस्ट होने के लिए 2 मिनट लेकिन लगता है जल्दी हो जाता है। ओके, तो टिप जरूर ध्यान में रखिए कि ये जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, और मेरे ख्याल से अगर जल गई तो इसका पूरा फ्लेवर निकल जाएगा, है ना? तो इसलिए आपको ख्याल रखना है बिल्कुल भी बढ़िया। इस पर आप ऐसे यू नो जैसे आप लोग तलने के लिए जाते हैं डाल दिए और आप कहीं से कोई और काम करने चले गए, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, पर अच्छे से उसको गूंजना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका हमने खोआ यूज करेंगे, थोड़ा बाइंडिंग के लिए खोआ डालेंगे, खोआ डाल के और थोड़ा फ्लेवर के इलायची पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम बाइंडिंग करके उसको हमने मोदक बनाएंगे। तो हम ये जो सारे नट्स हैं हम इसको मिक्सर में से पूरा ग्राइंड नहीं कर रहे हैं, ग्राइंडिंग नहीं, इसको ड्राई फ्रूट जैसे मुंह में आए लगना चाहिए। ओके, तो कई बार लोग जो है बिल्कुल ड्राई फ्रूट जो है बिल्कुल मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं और फिर उसकी पूरी पेस्ट बन जाती है, हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम बिल्कुल सहगे सहगे जो ड्राई फ्रूट्स है उसको रखेंगे और उसके बाद हम उसको थोड़ा सा उसमें घोवा डालेंगे ताकि उसमें बाइंडिंग वाला फैक्टर आ जाए, उसके बाद हम उसको बाइंड करेंगे, राइट? यानी कि अभी हम बनाने वाले हैं उसके मोदक। तो चलिए बनाते हैं इसके मोदक का। तो सर, आपने ये जो है मोदक बनाना कब सीखा और आपके फेवरेट मोदक कौन सा है? मेरा ये फेवरेट मोदक यही है ड्राई फ्रूट के सीजन में। क्या बात है, हमारे जो शेफ है बिल्कुल अपने फेवरेट वाले मोदक आपको बनाना सिखा रहा है ताकि आप इस फेवरेट वाले मोदक को अपने फेवरेट गणपति पापा को खिलाए और आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाए। सर, आपने कभी गणपति पापा से कोई विश मांगी है? जरूर, मैंने एक्चुअली मेरा घर में मैं गणेश पूजा का मेरी टाइटल में जो होता था गणेश पूजा हमें ज्यादा मानते हैं। ओके ओके ओके, तो उसके लिए तो हमने बहुत कुछ मोदक बनाते हैं, इससे मेरे को ये पसंद है, इसीलिए मैंने ये बनाना चाहता हूँ। ओके, नहीं आपने गणेश भगवान से कभी कोई मन्नत मांगी है कि कोई इच्छा बोली है कि भगवान जी ये 21 मोदक खिलाऊंगा आपको, प्लीज मेरी ये विश पूरी कर दीजिए, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा मैंने जब 10th क्लास में पढ़ रहा था मैंने उसी टाइम ने ये किया था, डिमिट किया जब मेरे को ऐसे ही डिवीजन जो चाहिए था गणेश पूजा से, तो इसे अच्छा मैंने उपवास किया था उसके लिए। क्या बात है, मतलब कि सर अगर आज इतने अच्छे शेफ बने हैं, सर को अगर आज रेडिसन ब्लू में एज अ शेफ वर्क कर रहे हैं, तो इसका एक राज आज सर ने आप लोगों को बताया है कि सर ने बताया गणपति बप्पा से बिल्कुल मन्नत मांगी थी कि मैं आपको यही मावे वाले सारे ड्राई फ्रूट्स वाले 21 मोदक खिलाऊंगा, प्लीज मेरी विश पूरी कर दीजिए। और देखिए भगवान जी ने इनकी विश भी बिल्कुल पूरी कर ली है, एक नहीं मतलब आप लोग भी ऐसे बढ़िया बढ़िया से मोदक घर पर बना सकते ताकि आप भी आपकी भी सारी 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 विशेष पूरी हो जाए। तो फिलहाल हम बनाते हैं मोदक। तो सर, आपके जो ओडिशा से है आप बेसिकली, तो ओडिशा में किस तरीके से गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है? हमारी तो ओडिशा से बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है कि मैं तो हमारे गांव में 8-10 दिन तक रखते पूजा, रोज हमने सुबह भी पूजा करते, शाम को भी पूजा करते, रात को भी ऐसे गाना ध्यान वगैरह जैसे होते बिल्कुल, और रात को भी खाना पीना खिलाते हैं, जैसे अपना रिलेशन का कोई फ्रेंड लोग है उनको बुलाते और उसका जो अच्छा ऐसा मोदक बनाते, तो हमारी जो रिलेशन का जो रहते ना उनका घर भी हम भेजते और उनके घर पर कुछ रहते तो वो भी ला के देते,
इसी इसी तरह से हम क्या बात है, मतलब लोकमान्य तिलक ने जिस उद्देश्य से ये फेस्टिवल शुरू किया था कि लोग मिले, लोग आपस में घुले मिले, एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के घर जाए, बहुत सारी खुशियां मनाए, तो बेसिकली ये सारा जो उनका जो मोटो था इसके पीछे का बिल्कुल पूरा हुआ है। आज देखिए कितने सारे लोग, कितने सारे, मेरे ख्याल से हर गली में, महाराष्ट्र के हर गली में गणपति बैठता है और हर गली में गणपति की धूम मचती है। इस वक्त हम धूम मचाने वाले हमारे मोदकों की, तो हमारे ये जो मोदक है बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। अभी मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर दिया, उसमें थोड़ा इसमें मैंने खोआ डाला है, खोआ डालने का बाद क्यों ना उसमें बाइटिंग आ गया, और उसमें ऑलरेडी खोआ में शुगर रहता है तो उसमें थोड़ा मीठा के लिए मज़ा लगता खाने के लिए, तो मैंने अभी बना रहा हूँ। क्योंकि जो सारे नट्स हैं सारे सहगे हैं, हम लोगों ने इसको मिक्सर सा नहीं है, इस वजह से इसको बाइंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ख्याल रखिए थोड़ा सा खोआ आप लोग इसमें ज़रूर डालें। तो सर आपने अभी इस जो ये जो साचा जिसको हम कहते हैं इसमें हमने थोड़ा सा घी लगाया, इसकी क्या वजह है? इसमें मैंने क्यों घी लगाया ना, क्यों ना घी का फ्लेवर हर किसी को अच्छा लगता है जी। तो इसलिए मैंने घी लगाया, तो खाने से पहले खुशबू जो है ना घी का फ्लेवर अच्छा रहेगा, क्यों ना एक जगह में कोई दो भी खा सकता क्या इसी बात है। घी की खुशबू, तो मतलब आप यहाँ घी बिल्कुल तवाई या कढ़े पे डालो उसकी खुशबू बिल्कुल आपके पड़ोसी तक जाती है, और कई बार आपके पड़ोसी आपके घर में भी आते होंगे, अच्छा क्या करते हैं आज? ऐसा कई लोग पूछते हैं कि आज आपके घर में क्या बनने वाला है, तो आज मैं बता दूं आज रेडिसन मुख के किचन में जो है बिल्कुल बन रहे हैं हमारा राजभोग, हमारे राजा बाप्पा गणपति बाप्पा के लिए स्पेशली बन रहे हैं। हम लोगों ने जो साचा के अंदर थोड़ा सा घी लगा लिया, इसकी दो वजह है। पहली तो शेफ बता चुके हैं जो चिपकेगा नहीं साचा को, जो साइज है कई बार की कोई चीज़ें जो होती है वो बिल्कुल स्टिक हो जाती है, वो निकलता नहीं, वो जल्दी से निकल जाए, इसलिए कई बार अगर आप कोई बेक भी करते हैं कोई चीज़ या फिर जैसे ढोकला बनाते हैं तो आप सबसे पहले उसको तेल लगाते हैं या फिर घी लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इस साचा को थोड़ा सा घी लगा रहे हैं ताकि जो मोदक है उसके अंदर चिपके ना। तो ये जो मोदक है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मेरे स्पेशल फेवरेट वाले मोदक, सर के फेवरेट वाले मोदक, क्योंकि सर ने यही मोदक गणपति बापा को खिलाया है और अपनी सारी मन्नतें पूरी करवाई है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि क्यों शेफ सलाह देंगे ना हम लोगों को कि वो भी स्पेशली ये सारे ड्राई फ्रूट्स वाले मोदक खाए, लोगों को बनाए और उसके बाद गणपति बापा को खिलाए और अपनी सारे विश पूरी करे। तो चलिए शेफ ने आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दी है गणपति फेस्टिवल की, फिलहाल मैं चेता लेती हूं आप लोगों से इजाज़त बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, और साथ में मैं कल फिर एक बार हाजिर होंगी आपके ब्रांड न्यू राजभोग के एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए बोलिए गणपति बाप्पा बोलिया। प्रेजेंटिंग राजभोग में आप सभी का स्वागत है, मैं चेतना आज फिर एक बार हाजिर हूँ रेडिसन ब्लू के किचन में जहाँ मेरे साथ है शेफ इजाज़, राइट? यस मैम। तो आज शेफ इजाज़ हमें सिखाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही बेहतरीन सी मोदक की रेसिपी। सर आज हम क्या बनाने वाले हैं? मैं आपको बताऊँगा आज चना दाल मोदक। वाओ इंटरेस्टिंग, चना दाल मोदक रेसिपी क्या है इसकी? चना दाल मोदक के लिए आप जो है 30 ग्राम होल चना दाल होती है आप उसको लोगे, और 20 ग्राम घी है, और ट्वेंटी ग्राम शुगर भी है, और 2 ग्राम इलायची। ओके, मतलब कि आपको 300 ग्राम चना दाल है ना, उसमें आपको शुगर डालनी है, उसके बाद आप उसमें इलायची डालेंगे और क्या डालेंगे हम? मैम चना दाल मोदक बनाने के लिए चना दाल को पहले हम उसको 2 आवर्स के लिए सोक करेंगे, और उसके बाद सोक करने के बाद 2 आवर्स के बाद उसको बॉईल करेंगे, ओवर बॉईल करने के बाद उसको पेस्ट करेंगे। मतलब कि आपको सबसे पहले उसको भिगोना है 2 घंटों के लिए, उसके बाद हम उसको उबालेंगे, मतलब उसको पकाएंगे, जैसे हम लोग अक्सर जो लोग पूरन बनाते हैं है ना, उस टाइम पे हम लोग जो दाल होती है उनको जिस तरीके से हम लोग गलाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमको इस दाल को भी गलाना है, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको बॉईल करने के बाद जब ओवर बॉईल हो जाएगी उसके बाद एक फ्राई पैन या नॉन स्टिक पैन कोई भी एक ऐसा पैन लेकर उसमें 20 ग्राम जो घी है आप उसको डालोगे, फिर ओवर बॉईल जो आपकी दाल है उसको डाल करके उसको अच्छे से सौते करना है, भूनना है काजे से, और उसको करने के बाद 20 ग्राम जो शुगर है वो उसको ऐड ऑन करके अच्छे से मैश करके टाइम टू टेक 20 to 25 मिनट, वो आप पूरा टाइम लेने के बाद यानी कि हम बेसिकली हम जो पूरन के मोदक है वो आज हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं। आई एम श्योर पूरन आप सबको बनाना आता है, लेकिन जैसे कि हमारे इजाज़ सर है, राइट,
तो ये मुस्लिम है इनके नाम से पता चलता है, लेकिन इसके बावजूद भी गणपति फेस्टिवल में एक बहुत ही बढ़िया सी मोदक की रेसिपी, जो ऑथेंटिक मोदक की रेसिपी है, वो है हमारे जो पूरन है, पूरन के मोदक, वो आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमारा चना दाल मोदक का मिजा रेडी है हमारा जी, और मैं आपको इसका मोदक बना के दिखाऊंगा। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पूरन के जो मोदक हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग इसके साथ हम लोग जो है बिल्कुल इसकी लेते हैं मैदा की हम लोग रोटियां बेलते हैं, उसके अंदर हम लोग ये जो स्टफिंग है वो स्टफ करते हैं, उसके बाद हम इसको फ्राई भी करते हैं, तो वो काफ़ी ऑयली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग रेडिसन ग्रुप की तरफ से हम लोग को ये सजेशन है, क्यों ना हम लोग वो जो मोदक बने हैं, जो बिल्कुल जो चना दाल मतलब जो पूरण आहे, जो पूरण आहे ते बिल्कुल तुम्ही तसंच ते मोदकाच्या साच्यात भरा, आणि वैसे ही आप लोग मोदक उसका तैयार कीजिए, वैसे भी बहुत टेस्टी लगेंगे आगे इस तरह। तो मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले जाएंगे हमारे राजभोग को, यानी कि हमारे गणपति बाप्पा को भोग चढ़ेंगे, उसके बाद हम सब ये सारे मोदक जो है बिल्कुल टेस्ट करेंगे। तो शेफ, आप घर पे कितना मोदक बनाते हैं, क्या आप भी गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? या मैम, गणपति फेस्टिवल में हम लोग भी थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं उसमें। ओके। और मोदक वगैरह हमारे घर में बनते नहीं, बट हम लोग अपने जैसे पड़ोस में हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं तो उनके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या बात है, मतलब जिस तरीके से हम लोग बाहर बाहर से ईद मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग ईद के दिन मेरे सारे मुस्लिम फ्रेंड्स के घर जाकर मैं बिल्कुल शिद्दत के साथ बिल्कुल पूरे तबियत के साथ शीरखुरमा और चिकन मटन खाती हूँ, वैसे उसी बिल्कुल उसी तरीके से ये लोग भी हमारे घर पे आते हैं, सारा मोदक का प्रसाद खाते हैं, राइट? मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमारे जो शाहरुख खान साहब है वो है मुस्लिम और उनकी जो वाइफ है वो है पंजाबी, तो उनके घर पर भी गणपति जी बैठते हैं, और मेरे ख्याल से सलमान खान के घर पर भी गणपति जी बैठते हैं, राइट? तो ये है, मतलब कोई कास्टिज्म नहीं है। तो हमारे शेफ एजाज ने दो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यू नो फेवरेट और ऑथेंटिक मोदक हम लोगों को, तो सर मेरा सवाल ये है आपसे कि ये लोग तो ये तो मतलब बिल्कुल जो लोग बिल्कुल मीठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा मीठा अवॉइड करते हैं, शुगर फ्री का इस्तेमाल अगर कोई करना चाहे इसमें, तो क्वांटिटी क्या होगी, शुगर के जगह उन्हें कितने ग्राम शुगर फ्री यूज़ करना चाहिए? शुगर फ्री जैसे ये जो बना है इसमें 20 ग्राम शुगर, और जो शुगर फ्री खाते हैं जी उनके लिए 5 ग्राम इक्वल शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं। जी जी, मतलब एक ज़्यादा ये नहीं पड़ती है ना, तो ये है आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया से बहुत ही बेहतरीन से हमारे ऑथेंटिक वाले पूरन के मोदक। आप देखते रहिए इंडिसीएन न्यूज़ पर राजभोग, तब तक के लिए हम सब साथ में कहेंगे गणपति बाप्पा बोलिया। मैं चेतना फिर एक बार हाजिर हूँ राजभोग के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, जहाँ मेरे साथ रेडिसन ब्लू की किचन में फिर एक बार है हमारे नेपाल के शेफ, जिनका नाम है शेफ कृष्णा, जिनको हम बड़े प्यार से केपी भी बुलाते हैं। तो सर आपका हमारे इस शो में बहुत ज्यादा वेलकम है, बहुत बड़े बड़े दिल से वेलकम है क्योंकि आप स्पेशली नेपाल से है, और इंडिया का गणेश फेस्टिवल आपको कैसा लगता है सबसे पहले तो बताइए। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, तो बहुत बढ़िया लगता है सर को गणेश फेस्टिवल इंडिया का। सर आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाले, कौन सा राजभोग बनाने वाले आज हमारे लिए? नहीं, मैं मोदक बनाने वाला हूँ जी, इसी को हम राजभोग भी कहते हैं। तो ये है हमारे गणपति बाप्पा का मोदक, जो क्या बनने वाला है आज मोदक में? मैं बेसन का मोदक बना रहा हूँ। वाओ, बेसन के मोदक, अक्सर हम लोग बेसन के लड्डू बनाते हैं, आज हम लोग बेसन के मोदक बनाएंगे, इसकी क्या रेसिपी है? बेसन के मोदक के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम बेसन। ओके। उसके लिए 60 ग्राम घी, देसी घी। उसके लिए 70 ml शुगर सिरप चाहिए, शुगर सिरप चाहिए। हम लोगों को याद रखें कि हम लोगों ने 100 ग्राम बेसन लिया है, इसके अंदर हम लोगों ने 20 ग्राम घी लिया है, आपको घी में बेसन को अच्छे से भूंज लेना है, इसके बाद आपको उसमें शुगर सिरप डालना है। सर ये शुगर सिरप डालने की क्या वजह है? शुगर सिरप इसलिए क्योंकि बेसन हम लोग उसको रोस्ट करेंगे तो वो ड्राई हो जाता है, उसके अंदर बाइंडिंग आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, ताकि हमें मोदक बनाने में ईजी हो। तो ये थी शेफ की स्पेशल टिप आप लोगों के लिए कि जब भी आप लोग मोदक बनाए, अक्सर कई लोग जो है कंप्लेन करते हैं, कई लोग आप जैसे ये जो हमारा बना हुआ है स्टफ जिसको हम बोलेंगे स्टफिंग, जब ये बनता है अक्सर कई लोग इसका गरम गरम वड़िया चना मंटा ना उसकी बिल्कुल ये भी बनाते हैं, बर्फी जिसको हम बोलते हैं बर्फी भी बनाते हैं, लेकिन ये बर्फी कई बार बनती नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से वो शुगर सिरप का कुछ तो गड़बड़ होती है उसमें, इसलिए ये शुगर सिरप आपको सही ढंग से बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको शुगर सिरप सही ढंग से बनाना। तो चलिए हम बनाते हैं हमारे ये जो बेसन के जो मोदक है हम उसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। हाँ जी, तो शुरुआत करें इसको। बिल्कुल शुरुआत करते हैं बेसन।
इसी के साथ मैं सबसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सर ये जो शुगर सिरप आपने बनाया है इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए? एक तारी होना चाहिए, एक तारी होना चाहिए। यानी कि आप ख्याल रखें जब भी आप शुगर सिरप बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी उसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है कि वो एक तारी है कि नहीं, अदरवाइज आपके मोदक बिगड़ सकते हैं। फिर मुझे मत बोलिए कि मैंने आपको बताया नहीं था। तो बिल्कुल शेफ ने भी आपको बताया है कि आपका शुगर सिरप कैसा बनना चाहिए, और मैं भी आपको बता रही हूँ कि आपका शुगर सिरप बिल्कुल एक तारी बनना चाहिए, उसी के बाद ही आप इसको ऐड कीजिए तो आपके बढ़िया से लज्जतदार मोदक बनेंगे। तो हमारे जो शेफ कृष्ण है, जिन्हें वैसे तो हमारे कृष्ण भगवान भी सबके बहुत फेवरेट है, लेकिन उनका जो फेवरेट खाना होता है वो है माखन। लेकिन हमारे जो शेफ कृष्ण है, इनके फेवरेट मोदक वो गणपति बप्पा के लिए बना रहे हैं, जो है बेसन के मोदक, जो बिल्कुल मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। तो हमारे ये जो बेसन के मोदक है बिल्कुल तैयार है, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं चेतना फिर एक बार लेती हूँ आप लोगों से इजाजत, इस वादे के साथ कि कल फिर एक बार मिलूंगी राजभोग के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, जहां मैं आपको फिर एक बार आऊंगी रेडिसन ब्लू के किचन में एक नए शेफ के साथ और बताऊंगी आपको एक नए मोदक की वैरायटी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले एक बार जोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। तो चलिए आज फिर एक बार मैं हाजिर हूँ रेडिसन ब्लू की, तो मावा बनाएंगे। मेरे साथ है शेफ शशिकांत। हेलो एंड वेलकम सर। तो सर आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाले हैं? मैं आज आपके लिए अंजीर मावा मोदक बनाने वाला हूँ। क्या बात है, ये है अंजीर मावा मोदक। इसमें क्या क्या डलेगा? इसमें सबसे पहले आप मावा बनाए, जो दूसरा मावा बनता है जी जी, उसका यूज करेंगे। अंजीर है जी, उसका घी है और टेस्ट के लिए इलायची पाउडर है। क्या बात है, मतलब घी, अंजीर, मावा और टेस्ट के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, बहुत ही मस्त स्वाद में मोदक बनने वाले हैं स्पेशली फॉर पापा। तो क्या कैसे बनाएंगे हम इसको? सबसे पहले जैसे आपको तो क्वांटिटी के हिसाब से बनाना है जी, जी, जी। एक लीटर में बनाना है जी। एक लीटर दूध रहेगा जी, तो उसमें आप 1.5 ग्राम शुगर डालेंगे ओके, उसको भी मावा मारेंगे, उसका फिल्टर करके उसको मावा बनाएंगे जी। ठीक है, मावा बनाने के बाद सबसे पहले तो उसको अंजीर लिया जाता है ओके, जो भी अपने हिसाब से अंजीर चाहिए 20 ग्राम 10 ग्राम, उसको स्लाइस काट के उसको भिगो कर रखना पड़ेगा, उसमें पानी में भिगाना कम से कम 20 से 30 मिनट उसको भिगा कर रखना है। उसके बाद दूध गर्म करना है ओके, दूध गर्म करने के बाद डालना है ओके। मतलब मावा आपको अलग से बनाना है? नहीं, मावा दूसरी मावा बनेगा ओके। तो अंजीर का ऐसा होता है ना, उसको कलर आने के लिए मावे में अच्छा तो भिगा के रखना पड़ता है। मतलब हम मावे में ही अंजीर डालेंगे, जब हम मावा बनाएंगे तभी अंजीर डालेंगे, तो वैसे कलर आएगा उसका, कलर आएगा, उसको कलर आना चाहिए मावे में ओके। वो अंजीर जैसा कलर रहता है वैसा ही मावे का भी कलर आ जाएगा। क्या बात है, वो अंजीर मावा मतलब सब लोगों को पता चलेगा कि अंजीर मावा मोदक है, मोदक है, तो व्हाइट रहेगा और ये रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। उसके लिए सबसे पहले तो अंजीर को स्लाइस काट के उसको भिगाना है ओके। ठीक है, उसके बाद दूध गर्म करना है, फिर उसमें डालना है ओके, रिड्यूस करते जाना है ओके। मतलब सबसे पहले आपको लेना है 1 लीटर दूध, जिसके अंदर आपको उसको गर्म करना है, उसके बाद हम उसमें डालेंगे 60 ग्राम शुगर राइट। उसके बाद जो है हम लोग अंजीर को बारीक बारीक उसके स्लाइस कट करेंगे, उसको हम आधे घंटे के लिए पानी में भिगोएंगे, उसके बाद हम उस दूध में डालेंगे और उसी प्रोसेस में हम लोग उसको मावा बनाएंगे है ना। तो ये बन गया हमारा मावा मोदक के लिए, हमारा रॉ बन गया। तो अब हम इसको मोदक का शेप दें? हाँ, मोदक का शेप दे। तो चलिए, तो हम ऑलरेडी हमारे पास जो मावा है वो तैयार है, ऑलरेडी हम लोगों ने आपके लोगों के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल बना के रखी है ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना जाए, और मैं फटाफट आपको रेसिपी बताऊँ और आप फटाफट सारी चीज़ें इकट्ठा करें, फटाफट उसके मोदक बनाए और हमारे प्यारे पापा को खिलाए। तो ये जो हमारे मोदक है वो बिल्कुल बन रहे हैं। सर सबसे पहले आपने ये मोदक कब बनाया? इसके पहले भी मैं यहाँ पे था, जैसे तो रेडिसन ब्लू में था लास्ट ईयर, तो मैंने बनाया था गणपति उत्सव, हमारे होटल में 5 दिन के लिए गणपति उत्सव बनाते हैं जी जी जी, तो उसी टाइम में मैं बहुत सारे टाइप से बनाया था, उसमें अंजीर वाला भी बनाया था मैं। क्या बात है, मतलब अक्सर जो हमारे घर में है वो कभी हलवे के बनते हैं तो कभी गुड़ और यहाँ कोकोनट के बनते हैं, वैसे हम ये सारे घरगुती टाइप के मोदक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को कई सारे एक्सक्लूसिव मोदक की वैरायटी मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये सारी बहुत ही राजभोग वाली जो पेशकश है बिल्कुल पसंद आ रही है। फिलहाल जो मेरे मोदक है बिल्कुल बनके तैयार है। हाँ, बनके तैयार।
क्या बात है। तो ये सारे मोदक आप देख सकते हैं कि जो मावा बनाया है हम लोगों ने अंजीर डाल कर, उसको कितना अच्छे से कलर आया है। अदरवाइज अब मावा का एक ही कलर होता है, तो जब हम इसको अंजीर डाल के बनाते हैं इसका एक फ्लेवर अपना एक अलग सा फ्लेवर आता है। इसकी टेस्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द गणपति बापा को प्रसाद चढ़ाने के बाद सबसे पहले इसकी टेस्ट मैं ही करने वाली हूँ। कर सकते ओके ये मोदक वैसे तो कहते हैं कि भगवान को सबसे पहले चढ़ना चाहिए, मुझे नहीं खाना चाहिए, पर अगर आपको याद हो तो रामायण में हमने देखा था कि शबरी ने सारे बेर सबसे पहले जो है वो बिल्कुल टेस्ट किए थे। अक्सर लोग कहते हैं कि झूठा अगर आप कोई चीज़ खाना बनाते हैं और उसको अगर आप चख लें तो झूठा हो गया, पर मैं कहूँगी कि रामायण में भी ये पार्ट आपको पढ़ाया गया है कि शबरी ने सिर्फ मोदक जो बेर थे सिर्फ इसीलिए चखे थे ताकि वो जो थे वो अपने राम भगवान को सिर्फ और सिर्फ मीठे बेर चखाना चाहती थी। इसलिए अगर ये मोदक मैं टेस्ट करके देखूँ तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होगी, पर अगर गलती होगी तो आई एम सो सॉरी, पर मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ। थैंक यू शेफ मेरे लिए देने के लिए। इसका एक छोटा सा वही ऑलरेडी मेरे हाथ में है। परफेक्ट परफेक्ट इसकी मिठास है और बहुत बढ़िया इसकी टेस्ट है। माफ़ कीजिएगा पप्पा जी, पर मैं नहीं चाहती कि कोई भी गलत चीज़ आपके हाथ आपके सामने परोसी जाए, इसलिए मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा बाइट खाया है ताकि मैं आपको एक परफेक्ट मोदक आपको प्रसाद में चढ़ाऊँ। तो ये है हमारे अंजीर मावा मोदक जो बहुत ही बढ़िया सी टेस्ट है, क्योंकि इसकी टेस्ट मैंने की तो आई कैन से कि वाकई में बहुत टेस्टी है और बहुत आसान सी मिठाई इसके बनाने के लिए है ना। सो थैंक यू सो मच शेफ, आप हमारे शो पर आए राजभोग पर और इतना बढ़िया सा इतना राजघराने वाला राजभोग हम लोग को सिखाने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन फिलहाल के लिए मैं चेता लेती हूँ आपसे इजाजत, तब तक के लिए बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चाहे जो भी चीज़ हो या फिर किसी भी बात की शुरुआत हो, हम हमेशा गणपति बाप्पा की पूजा से ही करते हैं। और फिर ये दिन तो कुछ खास होते हैं क्योंकि गणपति बाप्पा खुद हमारे घर पर आते हैं, इसलिए हम भी आ पहुँचे रेडिसन ग्रुप के किचन में जहाँ रोज़ हमें कोई ना कोई शेफ अलग अलग टाइप की वेराइटी ऑफ मोदक बनाना सिखा रहे हैं। तो आज हमारे साथ है उत्तम शेफ। तो सर थैंक यू सो मच आप हमारे शो पर आए। सबसे पहले आज हमारे लिए आप क्या बनाने वाले हैं? आज केसर मलाई का मोदक बनाने हैं। क्या बात है, आज बनने वाले हैं केसर मलाई के मोदक। तो सही ये जो हमारे जो मलाई केसर मलाई वाले मोदक है इसके लिए हम अब क्या करेंगे, मतलब क्या क्या रेसिपी रही है इसकी? इसकी रेसिपी है एक लीटर मिल्क लेने का पहली जी, सबसे पहली तो उसको धीमी आंच से गूंदना पड़ेगा जिससे अच्छा से थोड़ा सा और सूखना चाहिए, जो अच्छा, गाढ़ा हो जाना चाहिए, खोवा बनाना चाहिए। उसके बाद उसमें 60 ग्राम शुगर डालने का। ओके। शुगर डालने के बाद अपन थोड़ी देर पहले ये चालू करने पहले इस केसर को थोड़ी देर भिगा देने का, जैसे पानी में कहीं दूध में जाके उसका कलर अच्छा से हो जाए। ओके। तो उसके बाद होने के बाद वो खोवा में अपन उसमें शुगर डालेंगे सबसे पहले। शुगर डालने के बाद उसमें केसर का जो पानी है उसमें डालने का। पानी डालने के बाद फिर अपन उसको थोड़ी देरी छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। जी जी जी। उसके बाद अपन कोई भी प्लेट में कहीं भी निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद ठंडा से अपना घर में ले जाकर, मतलब हमने जो आपको रेसिपी बताया कि सबसे पहले आपको एक लीटर दूध देना है। हाँ। उसको फिर एक बार उसके अंदर 60 ग्राम शुगर डालनी है। हाँ। उसके बाद आप उसमें डालेंगे धीमी आंच से, धीमी आंच में ध्यान रखिए कि आपको आज बिल्कुल धीमी रखनी है, बड़े गैस पे करेंगे तो शायद एक तो वो फट जाएगा। हाँ। या फिर जल जाएगा। नहीं, ज्यादा फास्ट रखेंगे तो उसमें लगने का भी चांसेस रहेगा। अच्छा, मतलब दूध जलने के चांसेस होते हैं, है ना? जलना नहीं चाहिए, उस हिसाब से अपने करना पड़ेगा। जब दूध जलता है तब उसकी स्मेल जो है वो बहुत बुरी आती है और मेरे ख्याल से पूरा दूध ही पूरा वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो जाएगा और किसी काम पे नहीं ले सकते, किसी काम में नहीं ले सकते। इसीलिए बेस्ट चीज है कि आप बिल्कुल धीमी आंच पे दूध को गर्म कीजिए, उसके अंदर आप 60 ग्राम शुगर डालिए, उसके अंदर आपने जो सेफ्रन है, जो केसर है जिसको आपने पानी के अंदर भिगो के रखा है उसको डालिए, उसको धीमी आंच में घोटते रहिए और फिर इसका खवा बन जाएगा जो बिल्कुल हमारे सामने तैयार है। केसर का कलर भी उसमें मिक्स हो जाएंगे ताकि वो केसर का ये आ जाए। क्या बात है। और जब जो केसर की जो फ्लेवर है, जो बिल्कुल फ्रेग्रेंस है उसकी, बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है। इस वक्त हमारे सामने ये बिल्कुल इसका पूरा मिक्सचर तैयार है, तो चलिए बनाते हैं इसके मोदक। इसके होने के बाद फिर थोड़ा सा अपने कैरामल पाउडर जो है बना हुआ उसमें उसे थोड़ी सी मिक्स कर सकते हैं। ओके, ओके। और स्वाद थोड़ा और अच्छा आएंगे। क्या बात है। तो ये रही हमारे शेफ की तरफ से एक खास टिप उसमें और ज्यादा स्वाद लाने के लिए कि आप उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद बाजार में कई तरीके के जो ये होते हैं जिसको क्या कहते हैं साचा, जिसको मराठी में कहते हैं ना, तो इसके साचे कई टाइप के मिलते हैं, छोटे बड़े साइज के, तो आप उसको खरीद के लाइए और इसके अंदर उसको भर के इसको साइज दे लीजिए, है ना। तो ये बन रहा है हमारे बिल्कुल केसर के मावा मोदक,
स्पेशली गणपति बापा के लिए। तो सर आपने आपकी फेवरेट मोदक कौन सा है, आई विल आस्क यू। ऐसी तो मावा के है, तिल्ली का भी है। अच्छा तिल्ली के भी है, तिल्ली का यहाँ फेमस चलते हैं, तिल का गुड़ का जो बना के वो भी चलते हैं। तो रेडिसन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या स्पेशलिटी है आपकी रेडिसन में, आप किस तरीके का खाना बनाते हैं? हाँ बहुत अच्छे हैं, अभी और भी और नए कुछ करने का और दिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे आए इधर कुछ जी हमारे कुछ नया तरीका से कुछ करके देखा है, तो जो यहाँ होता है उससे और अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अलग खिलाए जो रेडिसन के नाम अच्छा है। तो सर कितने सालों से कुकिंग कर रहे हैं आप? मैं तो कम से कम 10-12 साल हो गया है। क्या बात है, तब 10-12 साल से जो सर है बिल्कुल हमारे कुकिंग कर रहे हैं। तो सर ये सिर्फ मोदक के लिए ही नहीं, अगर कोई भी इंसान कभी भी खाना बनाता है तो उसके लिए आप एक टिप क्या देंगे कि खाना बनाते वक्त हमेशा इस चीज़ का ख्याल जरूर रखना चाहिए, तो वो टिप आपकी तरफ से क्या होगी? सबसे ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए खाना बनाने को पहले, उसका कोई भी चीज़ जलना नहीं चाहिए, वो हिसाब से अपना देखना चाहिए, जो ध्यान रखना चाहिए, जो ना जलना जाए, कुछ ना हो जाए उसमें, चाहे दूध रहे चाहे खाना रहे कोई भी चीज़ को, उसको अच्छा तरह से ध्यान रखना चाहिए। जी मतलब आप खाना, कई बार लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन अक्सर उसको बड़ी आंच में बनाते हैं तो वो कहीं से एक तो जल जाता है और इस तरह से शायद कच्चा रह जाता है ना? कच्चा रह जाता है, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो आपको ख्याल रखना है कि आपका खाना कभी ना जले और आप बिल्कुल प्यार से धीमी आँच में उसको खाना बनाएं। और सर सेकेंड टिप क्या रहेगी? सेकेंड टिप ये समझे जा सको कि जैसा गैस में फास्ट कर दिए जी, वैसा सॉल्ट जैसे खाने की चीज़ में सॉल्ट डालते हैं, वो सॉल्ट डालने के पहले अपना चेक कर लेना चाहिए, जो थोड़ी सी कम डालो बाद में लाके तो दोबारा डालो, ताकि अगर ज़्यादा परिमाण डाल दे तो दोबारा नहीं हो सकता उसके। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब अपने को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आप जब भी कोई इंग्रेडिएंट डालते हैं खास करके सॉल्ट यानी कि नमक आप जब डालते हैं तो ख्याल रखिए कि आप किसी भी चीज़ में नमक थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि अगर वो एकदम से डाल दिया चांसेस रहे बिल्कुल, तो वो आप उसको निकाल नहीं सकते, वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। इसलिए फिलहाल तो हमारे जो मोदक है बिल्कुल केशर मावा के वो बिल्कुल तैयार है। सो थैंक यू सो मच हमें इतने अच्छे से मोदक बनाकर दिखाने के लिए, अंशुर आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो मेरे आज के जो मोदक है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मैं चाहता फिलहाल लेती हूँ आप लोगों से इजाजत, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पापा है आपके बिल्कुल मनपसंद से मोदक खाकर खुश हो जाए, आपकी हर बात माने, तो मेरे साथ एक बार जोर से कहिए गणपति बापा मोरिया। मैं चित्रा फिर एक बार हाजिर हूँ राजभोग के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, जहाँ रेडिसन ब्लू के किचन में मेरे साथ है शेफ चिराज। हेलो एंड वेलकम सर। तो सर आज हम हमारे लिए क्या बनाने वाले हैं? मैं अब आपको बताने वाला व्हीट मोदक। ओके, ये आटे से बनते हैं मतलब। ओके ओके, और इसको ये हेल्थी प्रोटेक्टेड प्रिपरेशन है, बहुत ही अच्छा होता है, घर में भी नॉर्मली बेसिकली घर में बन सकते हैं। जी जी, तो ये बनाने वाले हैं गेहूं का जो आटा होता है उसके मोदक, राइट? तो सर इसकी क्या रेसिपी है? इसकी रेसिपी हम लोग लेंगे व्हीट फ्लोर होगा अपने पास। ओके, ये आपका हम लेंगे 20 ग्राम्स। और इसमें हम थोड़ा सा हेल्थ को यूज करते हुए इसके लिए हम देसी घी लेंगे, और इसके लिए हम थोड़ा सा मावा भी लेंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर यूज करेंगे। ओके वाव, मतलब कि इसमें जाएगा आपका जो गेहूं का आटा होता है वो, थोड़ा सा मावा, थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा टेस्ट के लिए फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। इसके बाद क्या करेंगे? मैं थोड़ा सा घी को लूंगा इसके अंदर। ओके, इसमें हम घी को लेंगे 20 ग्राम। इसको ऑयल में थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद फिर ये व्हीट फ्लोर को उसके अंदर थोड़ा रोस्टेड करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ओके, उसके बाद नॉर्मली इसमें शुगर का एक सिरप रहेगा उसको ऐड करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके अंदर खोया इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर। मतलब कि जैसे आप गेहूं के आटे का जो आप लोग क्या कहते हैं शीरा मराठी जला म्हणतात, जो आप लोग गूंजते, बिल्कुल आप लोगों को कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा घी डालना है, घी गर्म होती है आप उसके अंदर जो आपका गेहूँ का आटा है वो उसके अंदर डालोगे, वो उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से गूंज लेना है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, उसके बाद हम शुगर डालेंगे, राइट? और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी, मेरे ख्याल से पानी उसके अंदर नहीं ऐड, एक्चुअली वो एक डो के टाइप में, नॉर्मली एक इस तरह के डो बन जाएगा, मतलब आपको पानी या कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब ऑलरेडी वो एक डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने आपका वक्त बचाने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये जो डो है बिल्कुल तैयार करके रखा है। तो अब हम इसको मोल्ड करेंगे। जी हाँ, इसको मोल्ड करेंगे। तो चलिए अब हम बनाने जा रहे हैं इसके मोदक, बहुत ही आसान, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट वाले मोदक जो बिल्कुल बनने जा रहे हैं आज हमारे पापा के लिए।
आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपके घर पर अवेलेबल होती है, तो फटाफट अभी भी आप मेरा शो देखते देखते भी आप ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं अपने घर में कि चलो गैस शुरू करो, चलो कढ़े में घी डालो और फटाफट इसको बुनो और फटाफट ये मोदक बनाओ, ताकि मैं और आप बिल्कुल एक साथ ये मोदक जो है बिल्कुल बापा के चरणों में चढ़ाएंगे और हम सबके विश बहुत अच्छी वाली विश पूरी हो जाएगी। वैसे मैं आपको याद दिला दूँ, ये जो सिराज सर है, शेफ सिराज है, ये ऑलरेडी मुस्लिम है, राइट? उसके बावजूद इससे पहले भी एक मुस्लिम शेफ आकर हमें बहुत ही बेहतरीन सी जो रेसिपी है वो बताकर गए। एक और मुस्लिम शेफ हमारे साथ यहाँ आ रहे हैं, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं बताता है कि मतलब हमारी कास्ट चाहे जो भी हो, बापा को हम सब मानते हैं, हर कोई बापा को मानता है और साथ ही साथ बापा हर किसी की मुराद पूरी करता है। तो सर, क्या आपने गणेश मंदिर आप जाते हैं? या मैम, अपने फ्रेंड वगैरह के साथ बहुत जाता रहता हूँ मंदिर वगैरह। okay. सभी मंदिर में घुमाऊँ, नेचुरली में दिल्ली में था या घर पे भी रहता हूँ, मेरे फ्रेंड भी हैं, कॉलेज फ्रेंड है, जाता रहता हूँ, या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें जाता हूँ। मतलब भगवान कहते हैं ना, भगवान सबके होते हैं, भगवान ने कभी कास्टिज्म नहीं बनाया, वो तो अब इंसान है कि शायद किसी ना किसी बहाने से हम लोगों ने कास्टिज्म बनाया है, पर सारी चीज़ें बाहर रखते हैं और फेस्टिवल के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ध्यान देंगे हमारे मोदक की ओर और शरीर के दुआओं की ओर। वैसे मैं आपको याद दिला दूँ, कई सालों पहले ये जो फेस्टिवल है, गणेश फेस्टिवल को शुरू किया था लोकमान्य तिलक जी ने, उनका इसके पीछे का मोटिव सिर्फ यही था कि ऐसे ही जो कास्ट है, कोई भी कास्टिज्म ना रहे, कोई भी मतभेद ना रहे, कोई भी एक दूसरे की जातिवाद, चलो मराठीत म्हणतो आपण, जातिवाद मिटवायसाठी आणि स्वतंत्रता मिळवून देण्यासाठी ये फेस्टिवल उस टाइम पर लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। ये एक सामूहिक फेस्टिवल है, वो हम लोग उस टाइम से मनाते आ रहे हैं और आज भी इसका रूप बहुत ही बड़ा है और बहुत ही भव्य है। इसी के साथ मेरे जो मोदक है बिल्कुल तैयार है, राइट? मैं शेफ सिराज इन BCN के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है सर, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच कि आज हमारे शो पर आए और इतनी हेल्दी वाली डिश आपने हमको बनाकर सिखाई। तब तक के लिए मैं चेता लेती हूँ फिर एक बार आप लोगों से इजाजत, कल फिर मिलूंगी इसी समय एक नए राजभोग एपिसोड में एक नए राजभोग के साथ। तब तक के लिए बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। आदाब, सत श्री अकाल, मैं चेतना फिर एक बार हाजिर हूँ एक ब्रांड न्यू राजभोग के एपिसोड के साथ, और वो भी रेडिसन ब्लू के किचन में, जहाँ मेरे साथ है शेफ देव और ये बनाने वाले हैं गणपति बाप्पा के लिए मोदक, मतलब देव साहब खुद बनाएंगे गणपति बाप्पा के लिए मोदक। तो सर, आज आप क्या बनाने वाले हैं? आज मैं बनाने वाला हूँ रवा मोदक। वाह, रवा मोदक, ये मेरे फेवरेट मोदक है। गणपति के अवसर पर मैं इस मोदक को बनाकर सभी दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। वाह, तो इसकी क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीजें लगने वाली हम लोगों को रवा मोदक के लिए? रवा मोदक के लिए पहले हम ले लेंगे 50 ग्राम रवा ले लेंगे। ओके, 50 ग्राम रवा लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा 30 ग्राम उसमें शुगर डालेंगे हम 30 ग्राम, मतलब 50 ग्राम रवे में 30 ग्राम शुगर, नोट कीजिएगा जी। और 25 ग्राम घी लेके हम उसको स्लो सेम फायर में फ्राई पैन के ऊपर भून लेंगे पकने तक। बिल्कुल, मतलब 25 ग्राम घी लेंगे, उसके अंदर आप 30 ग्राम रवा डालेंगे, उसके अंदर आप 20 ग्राम शुगर, राइट? तो मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ इनके साथ साथ। तो ये बिल्कुल हम उसको फ्राई कर, मतलब थोड़ा सा भून लेंगे, पकने तक उसको हम भून लेंगे। तो जब तक वो पक जाएगा, 5-6 मिनट में पक जाएगा। उसको हमको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा हिलाना है, उसको अच्छे से क्या कहते हैं रोस्ट करना है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम थोड़े ड्राई फ्रूट ले लेंगे, 3-4 प्रकार के ड्राई फ्रूट, जैसे बादाम है हमारा, पिस्ता है, कैजुनट है, हम उसको रोस्ट कर लेंगे 35 सेकंड तक उसको रोस्ट करके हम नीचे कर लेंगे, और जो हमारी सारी सामग्री हम उसको ठंडा कर लेंगे। ओके, वो जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम सबको मिक्स कर लेंगे। ओके, तो आपको सारी चीज़ें बनानी है, उसके बाद आपको जो हमारे नट्स है उसको भी हमको थोड़ा सा रोस्टेड कर लेना है, ताकि उसका फ्लेवर अच्छा उभर कर आए। लेकिन ख्याल रखिए बड़े आंच पे और ज़्यादा देर तक आपको उसको रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो फटाक से जल जाएगी और आपकी सारी टेस्ट बिगड़ जाएगी, है ना। तो ये देव सर के फेवरेट मोदक है जो अभी आप लोग को सिखाना बनाना सिखा रहे हैं। सर, इसको और क्या कैसे मिक्स करेंगे इसको? उसके बाद हमने जो सारा मिक्सचर लिया जी, मिक्सचर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे बाइक फ्लेवर के लिए जी, फ्लेवर के लिए उसमें फ्लेवरिंग आ जाएगी। और जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, हम उनको जो मोदक बनाएंगे, तो हम सांचे के अंदर जो मोदक बना रहे हैं उसके अंदर स्टफिंग कर लेंगे। क्या बात है, मतलब हम ड्राई फ्रूट स्टफ करने वाले हैं। तो ये है हमारा रवा स्टफ मोदक, जिसके अंदर हम ड्राई फ्रूट स्टफ करने वाले हैं। ये कुछ अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग इसको बनाने का तरीका होगा, आई एम श्योर। सर, इसका जो बेसिकली इसका जो साइज हम जिसको देंगे, जब इसका हम मोल्ड करेंगे, इसको मोल्ड कैसे करेंगे हम, क्योंकि स्टफ करना है अंदर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, है ना। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रवा मोदक बनाया जाए। क्या बात है,
और राजभोग शो का नाम ही राजभोग है, तो सारी मोदक में ड्राई फ्रूट्स डालना तो बनता है बॉस। इसलिए हम आप देख रहे होंगे, हम नंशोर आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि हमारे लगभग सारे ही जो मोदक के टाइप्स हम आपको वैरायटी बता रहे हैं, उन सब में थोड़ा ना थोड़ा हम लोगों ने नट्स का इस्तेमाल ज़रूर किया है, क्योंकि ये राजभोग है और हमारे लाले पापा गणपति पापा के लिए भोग बनाया जा रहा है। तो ये रवा मोदक, अब हम इसमें स्टफिंग कैसे किया सर हमने इसके अंदर, एक बार और आपको दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, एक बार दिखा दीजिए। हमने ये गोली बना ली। जी बिल्कुल। इसके बाद हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट लिए जो हमने पहले से रोस्ट किए हुए हैं। वाओ। इसको अंदर स्टफ कर लिए। अच्छा, मतलब जैसे हम लोग लड्डू या जैसे हम लोग गुलाब जाम बनाते हैं, गुलाब जाम के अंदर जिस तरीके से हम लोग किशमिश डालते हैं या फिर कचौरी बनाते हैं, जैसे राजभोग बनाते हैं हम, जैसे राजभोग बनाते हैं बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सा स्टफिंग यहाँ पर हुआ है। पहले आपको वो करना है, उसके बाद आप उसको सांचे के अंदर डालेंगे। तो ये गया सांचे के अंदर, स्टफ रवा मोदक सांचे के अंदर गया। इसको आ रहा है बढ़िया सा एक शेप। हमारे शेफ देव बना रहे हैं, शेफ देव गणपति बाप्पा, मतलब हमारे फेवरेट गणपति बाप्पा के लिए, जो देवों के देव, हम वैसे तो महादेव को कहते हैं लेकिन महादेव के जो पुत्र है, जो सबके लाडले हैं, और हर पूजा के पहले हम सबसे पहला मान उनका होता है, सबसे पहले पूजा गणपति बाप्पा की होती है। जी बिल्कुल। तो सर आपने कभी गणपति बाप्पा को कोई विश मांगी है? जी बिल्कुल मांगी है। तो क्या मतलब आपने, क्या आपने ये फेवरेट मोदक खिला खिला के गणपति बाप्पा को बोला कि भगवान जी आप ये मोदक खाओ और प्लीज मेरी तमन्ना पूरी कर दो, ये कब हुआ? बिल्कुल जी, हर बार हुआ है ये। हर बार हुआ है, क्या बात है। तो एक हाथी कोई विश बताइए जो गणपति बाप्पा ने आपकी पूरी कर दी है। जी मैंने अपने करियर के लिए विश करी, लेकिन मैं अभी अच्छे जगह पे आया, मैं अच्छे होटल पे जॉब कर रहा हूँ, अच्छी जगह पे जॉब कर रहा हूँ। गणपति जी हर किसी की विश पूरी करते हैं। जी तो बिल्कुल इसी तरीके से गणपति जी ने बहुतों की विश पूरी की। आई एम वेरी मच श्योर कि आप अगर इतने बढ़िया, इतने टेस्टी वाले स्टफ रवा के मोदक बनाकर गणपति पापा को खिलाएंगे, तो वेरी ऑब्वियस है कि उनको तो आपकी बात माननी ही माननी है। मैं सेवदेव, मैं आप सभी लोगों को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक 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 शुभकामनाएं गणपति फेस्टिवल की। उम्मीद है कि आगे भी गणपति पापा ऐसी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबकी भी मुरादें बहुत जल्द पूरी हो। लेकिन फिलहाल हम लोग, मैं लेती हूँ चेतना आप लोगों से इजाजत, लेकिन फिलहाल हम लोग कहेंगे फिर एक बार गणपति पापा मोरिया। देखते ही देखते पूरे के पूरे 10 दिन बीत गए और फिर एक बार बापा हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जाते जाते कहते हैं कि बापा बड़े खुश होते हैं और आप हर किसी का, आपकी हर किसी की मुराद बिल्कुल पूरी करते हैं। इसलिए आज हम लेके जाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल से मोदक, जो बिल्कुल हम बापा को देंगे ये कहते हुए कि गणपति बापा मोरिया आणि पुढच्या वर्षी अगदी लवकर या। तर आज नागपूरकरांसाठी स्पेशली मराठी मोदक बनणार आहेत म्हणू शकते मी, कारण हे बिल्कुल ऑरेंज फ्लेवरचे आहेत। तर सर तुम्ही आज कशी कशी काय काय रेसिपी आहे त्याची काय प्लीज सांगा। साधी एक सिंपल रेसिपी आम्ही सेट केली आहे, ह्या विशेष गणपतीच्या दौरान आम्ही साधी रेसिपी सेट केली, त्याच्यामध्ये नारंगी मोदक म्हणून जे ठेवलेलं आहे ते साधा एक आपल्या फ्रेश माव्यापासून आम्ही कोव्यापासून तयार करू। त्याच्यासाठी आम्ही फ्रेश मावा हा घेऊया, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये मिक्स करायला आम्ही हा जो ऑरेंज क्रश म्हणतो आपण, फ्रेश ऑरेंजेसचा क्रश आहे जो नागपूरकरांना नक्कीच आवडेल, त्याच्याबरोबर थोडंसं आम्ही कोकोनट टाकतो याच्यामध्ये आणि थोडीशी वेलची पावडर टाकतो, विलायची पावडर ज्याला सिनेमन म्हणून। म्हणजे मोस्टली सगळ्या गोष्टी अगदी आपल्या घरी इझिली अवेलेबल असतात, इझिली अवेलेबल असल्यामुळेच आपण ती रेसिपी सेट केलेली आहे की म्हणजे फार काही इकडे तिकडे नको, त्यामुळे फार इझी रेसिपी सेट केली। सर याची क्वांटिटी कशी घेतली, काय क्वांटिटी मध्ये घेतला आहे? 60 ग्रॅम्स जर आम्हाला 2 पीस छोटे बनवायचे असतील तर 60 ग्रॅम्स आपण फ्रेश मावा घेतो आणि 20 ग्रॅम्स पर्यंत आपण क्रश घेतो त्याचा आणि थोडंसं कोकोनट टाकतो फॉर टेस्ट आणि कन्सिस्टन्सी व्हायला त्याची व्यवस्थित आणि 1 ग्रॅम 1 वेलची पूड घेतो आपण, जी सिनेमन आपलं कार्डमन पावडर म्हणतात त्याला, ही ती 1 ग्रॅम पावडर, खवा, साखर आणि ऑरेंज एक्स्ट्रॅक्ट म्हणू शकते, ऑरेंज एक्स्ट्रॅक्ट है ना। इतक्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सगळ्या मिक्स करायच्या आणि त्याला अगदी सुंदरसा आकार द्यायचा आहे मोदकाचा, है ना। तर चला आपण बनवूया पण मोदक।
तो ये जो हम लोग मोदक बना रहे हैं ना, आई विल टर्न टू हिंदी. मला माझी इच्छा आहे की सगळ्या मराठी लोकांना, ऑफकोर्स माझी मराठी समजते, पण हिंदी लोकांना पण असं नको वाटायला, कारण बाप्पा फक्त मराठी लोकांचेच नाही आहे, बाप्पा मात्र गुजराती मारवाडी सगळ्यांच्या घरी बसतात आणि बिलकुल सगळ्याजण इतक्याच आपुलकीने सगळ्या त्यांची बिलकुल सेवा करतात. पर सर, ये जो मोदक हम लोग बना रहे हैं, इसका कोई और क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट हम लोग बोल सकते हैं, जो लोग जिन लोगों को नहीं पसंद ऑरेंजेस बोल दीजिए, या फिर अगर बहुत शुगरी है तो हमें ज़्यादा शुगर नहीं खाना, तो इसका क्या कोई अल्टरनेटिव है? इसमें ऑरेंज की जगह आप फिर जैसे हमने बाकी चॉइसेस हमारे दिए हैं, हम आपका कोकोनट यूज़ कर रहे हैं, हम सैफ्रॉन यूज़ कर रहे हैं, ये सारे उसी के ऑप्शंस हैं. इसमें इतने सारे हम लोग जो दिखा रहे हैं आपको, जो इजीली अवेलेबल होगा या जो आपको पसंद होगा, इसमें से आप वो कर सकते हो. मतलब पिछले 10 दिनों से जो हम लोग दिखा रहे हैं वो सब इसी के ऑप्शन ही है, सब बोल सकते हैं. लेकिन अगर हम स्पेशली अगर कोई फ्रूट फ्लेवर चाहे तो क्या इसकी जगह हम एप्पल या ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं? इसकी जगह अगेन नारंगी अगर नहीं किसी को पसंद है तो डेफिनेटली आप इसको पिस्ता कर सकते हो, कीवी कर सकते हो. इस टाइप के आप यूज कर सकते हो, वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए. तो पवन सर, आप ये मोदक कब से बना रहे हैं और आपको किस टाइप के मोदक सबसे ज्यादा पसंद है? मोदक तो अगेन गणपति बाप्पा का है, तो कोई भी टाइप का मोदक हम प्रसाद के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे इजीली हम लोग घर में बना पाए इस टाइप से. सो इसमें यही ज़रूरी है कि क्या इजीली अवेलेबल है और क्या हम गणपति बाप्पा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके लिए अच्छे से बना सकते हैं. वैसे तो आज आखिरी का दिन है और हर घर में पूरन के मोदक बनते हैं, तो पूरन के मोदक बहुत फेवरेट है और कई लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि क्यों ना भगवान को थोड़ा सा अलग दिया जाए, हर साल पूरन के मोदक हम खिला दें तो शायद भगवान जी थोड़े से बोर हो गए होंगे. तो ये जो है ऑरेंजी नारंगी मोदक हमारे लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, दूसरा पीस भी बनाएंगे हम लोग इसका जी. लेकिन पिछले 10 दिनों से हम लोगों ने कई सारी वैरायटीज आपको बनाकर दिखाई है. आप लोग जरूर मुझे बताइएगा अपने हमारे फेसबुक अकाउंट या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पर कि आपको हमारे ये शो कैसा लग रहा है. सर फिलहाल तो आप बताइए आपकी क्या स्पेशल डिश है जो आप गणपति पापा से इस साल आप लोगों ने आपने मांगी है स्पेशली. एनी स्पेशल डिमांड टू गणपति जी? बस मैं हर साल इसी टाइप से मोदक बनाते रहूं गणपति पापा के लिए, यही मेरी स्पेशल डिमांड. सर रेडिसन में आए आपको मेरे ख्याल से कई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, या क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका स्पेशली रेडिसन ब्लू का? रेडिसन ब्लू का तो मैम और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली, क्योंकि बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छा क्राउड है यहाँ का, काफ़ी कस्टमर हमारे होटल्स में एवरीडे आते हैं खाना खाने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए होटल का. बहुत अच्छा क्लाइंट है यहाँ का, काफ़ी हमें प्रोत्साहित किया है उन लोगों ने, हमारी क्यूजिन को काफ़ी प्रोत्साहित किया है कुछ नया करने के लिए, हमें हमेशा इंकरेजमेंट दिया है यहाँ के गेस्ट ने, यहाँ के पब्लिक ने. सो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है अभी तक रेडिसन के लिए, इस यहाँ का जो गेस्ट एक्सपीरियंस था, और सारे गेस्ट को ले हम आगे भी बहुत अच्छा करना चाहेंगे, इससे भी अच्छा करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ क्यूजिन, इन टर्म्स ऑफ जैसे हमारे मोदक क्लासेस हो रही है, हर साल ऐसा कुछ ना कुछ नया करता रहना चाहिए, हम करते रहेंगे. क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बेहतरीन से मोदक हम लोग को बनाना सिखाया, थैंक यू सो मच. तो आज का ये आखिरी दिन है, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग हर साल ऐसे ही कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया के मोदक के साथ बिल्कुल आएंगे. तो ये है वो 10 तरीके के मोदक जो हम लोगों ने पिछले 10 दिनों में आप लोगों को बिल्कुल बनाना सिखाया है, और उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये पेशकश और हमारा ये जो पूरा सीरीज था 10 एपिसोड जो थे हमारे मोदक के स्पेशली रेडिसन ब्लू के साथ, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया. लेकिन फिलहाल मुझे इतना फिर एक बार लेती हूँ आप लोगों से इजाजत, तब तक के लिए बोलिए गणपति बाप्पा बोलिया, पुढच्या वर्षी लव करिया.